तो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अक्षय। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के 49 के प्योरिटी। तो आज के क्वेश्चन का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है। तो अगर आपने क्वेश्चन ने कर रखा है, अगर आप मल्टीपल सॉल्यूशन सपोर्ट कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो गिवन द चेस बोर्ड डायमेंशन, काउंट आउट द नंबर ऑफ वेज वी कैन प्लेस अ ब्लैक एंड अ व्हाइट किंग ऑन दिस चेस बोर्ड सच दैट दे कैन नॉट अटैक ईच अदर। ओके, नाइट मतलब वो हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, घोड़ा बोलते हैं चेस बोर्ड का, ठीक है। तो द नाइट्स हैव टू बी प्लेस्ड ऑन डिफरेंट स्क्वायर, अ नाइट कैन मूव स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये मूविंग डायरेक्शन दे रखा है, एल शेप में मूव कर सकता है। द नाइट्स कैन अटैक ईच अदर ओनली इफ दे कैन रीच ईच अदर इन वन मूव। ओके, सिर्फ वन मूव है, तो ये क्वेश्चन तेरा आसान थोड़ा सा लग रहा है कि जिन्होंने वन मूव ही लिख रखा है। तो m=2, n=2 के लिए 12 तरीके दे रखे हैं इन्होंने, 2 और 3 के लिए 26 तरीके दे रखे हैं। तो हम तुरंत से अगर इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं कि ये 12 और 26 आंसर आ कैसे रहे। तो ठीक है यार, तो इन्होंने क्या दे रखा है कि हमारे पास 2+2 का स्क्वायर है, राइट। तो मैं कुछ बना देता हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी क्या मैं देख पा रहा हूँ कि हमने एक फर्स्ट नाइट को यहाँ रखा, राइट, सेकंड नाइट को रखने के ये 3 पॉसिबिलिटी है, और एक फर्स्ट नाइट किसी भी नाइट को अटैक नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे नॉट नॉट अटैकिंग की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 पॉसिबिलिटी है ना, या तो 1 और 2 ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी। सिमिलरली यार, मैं कितनी बार भी ये बनाऊँ, अगर 1 को इधर रख दूँ तो ये फिर से किसी भी 3 सेल को अटैक नहीं कर सकता, तो आ गई। सिमिलरली मैं इसको अब इस जगह रख लूँ तो 3 पॉसिबिलिटी, राइट। और मैं लास्ट लगे छोड़ दिया ये, तो 3 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया, आंसर दे रखा है। या 2 क्रॉस 3 के लिए भी एक बार समझ लेते हैं तुरंत से। हमारे पास इस तरह देखा है, सपोज हमारे पास नाइट यहाँ है तो ये सिर्फ यहाँ अटैक कर सकता है, बाकी सारे पोजीशन खाली होंगी, राइट। यहाँ से 5 तरीके आ गए, ठीक है। हमारा नाइट अगर यहाँ है तो ये किसी को भी अटैक नहीं कर सकता है ना, 1 2 3 4, यहाँ से 4 तरीका, यहाँ से किसी को अटैक नहीं कर सकता, तो 5 तरीके। ओके ओके, अब नाइट हमारा मान लो यहाँ है यार, तो कितने तरीके दिख रहे हैं मेरे को, ये यहाँ पर अटैक कर सकता है तो 4 तरीके हो गए। अब कौन सा तरीका बचा, अब कि नाइट यहाँ पर हो तो ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, राइट। तो कितने पॉसिबल वेज हो गए, 4, ये 2 और इटरेशन बचा है करके देख लेते हैं। 1 यहाँ पर हो, ये किसी को अटैक नहीं कर सकता है, तो वेज हो गए 5। फिर जो है हमारा नाइट यहाँ पर है, 3 सेल्स है, राइट, तो ये यहाँ अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेल्स हो गए 4। तो 4 × 5 + 10, नहीं 4 × 4, 4 × 4 = 10, तो 26 यार, ठीक है, इस तरह हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो मैंने अभी जो ड्राई रन किया उससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले एक नाइट जो है वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो देख लेते। तो सपोज हमारे पास ऐसा हो, एक आ रहे बना, ठीक है, लेट्स से हमारा नाइट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट था पहला, ये कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ये इस तरफ जाके यहाँ जा सकता है, सिमिलरली इस तरफ जाके यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है इस शेप में यहाँ आ सकता है, राइट। सिमिलरली ये नीचे की तरफ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से ये इधर आ सकता है, एंड इधर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स को यार मेंटेन करूँ, यार ये आई कॉमा जे है ना, तो ओके, तो उसके हिसाब से ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, वाली हो जाएगी i+2, राइट, कमा j-1, तो हो जाएगा i+2, j+1, यही होगा। ये वाली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, i+1, j+2, वाली कोऑर्डिनेट हो जाएगी i-1, j+2, राइट। ये इस ith पॉइंट से 2 रो ऊपर गए हैं, तो ये i-2, j-1, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, i j+1। यार अब ये दो लास्ट कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, क्या हो जाएगी, i-1, j-2, ये हो जाएगा i+1, j-2। तो अगर हम क्या यार अब dx और dy का एक एरे बना लेते हैं, तो हम सबसे पहले ये +2 +2 है, तो ठीक है 2, 2, अब इधर से उठा लेते हैं +1 +1, तो 1, 1, इससे कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या थी,
कॉमा टू के कोरिस्पॉन्डिंग माइनस वन और वन था, तो माइनस वन और वन, और ये प्लस वन और ये माइनस वन के कोरिस्पॉन्डिंग क्या थी, माइनस टू और टू, तो माइनस टू कॉमा टू। मैं डी एक्स और डी वाई अरे बता दे रहा हूँ यार, ये यूज़ करेंगे इसको। फिर क्या हो गया यार, एक माइनस वन और माइनस, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस टू एंड प्लस टू, ठीक है। फिर हमारा क्या है एक्स, अब इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया वॉट, माइनस टू माइनस टू, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन एंड प्लस वन, एक्स और डी वाई। तो ठीक है यार, तो मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि मैं मैट्रिक्स में इन इन फॉर एवरी सेल यार, फॉर एवरी सेल, तो एवरी सेल, तो सेल कितने हैं, टोटल सेल कितने हैं, एन क्रॉस एम है, राइट। अब अगर किसी एक एक को अगर हमने मान लो एक के वन को यहाँ प्लेस कर दिया, राइट, जी किसमें एन क्रॉस एम में, तो ये टोटल स्पेसेस कितने बचे जिसमें हम के टू प्लेस कर सकते हैं, होगा एन क्रॉस एम माइनस वन, है ना। तो मतलब ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन है किसी भी दो नाइट को प्लेस करने का इन होल मैट्रिक्स, एन क्रॉस एम इंटू एन क्रॉस एम माइनस वन, ये के वन के लिए है। अगर किसी एक स्पेस हमने उठा लिया तो फिर भाई एक स्पेस ही सिर्फ माइनस वन करके बाकी स्पेस निकल जाएंगे। वही तरीका है यार कि फाइंड द टू डिजिट नंबर यूजिंग ऑल दी डिजिट्स, है ना। तो यहाँ पे जीरो से लेकर नाइन तक कुछ भी बैठा सकते हैं, वन से लेकर नाइन तक, तो हम उसका नंबर लिख देते हैं, नाइन हो गया, टेन लिख सकते हैं, हो जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया यार टोटल स्पेस। अब मैं किसी तरह फाइंड कर लूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें वन मूव ही निकालना है, राइट, और हमने वन मूव के तो आठ ही पोजिशन है, सिर्फ आठ पोजिशन है जो वन नाइट कैन मूव कर सकता है, यहाँ पे हमने देखा। तो फॉर ईच एंड एवरी सेल, फॉर ईच एंड एवरी सेल हम इन एट पोजिशन पे ट्रैवर्स कर जाएंगे यार, और चेक कर लेंगे कि ये जो पोजिशन है, ये जो पोजिशन है क्या आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, है ना, आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। और इन सारी पोजिशन के लिए ये पोजिशन कौन सी है जहाँ पे अटैक हो सकता है, अटैक की पॉसिबिलिटी है, राइट, है ना। हम चेक कर लेंगे यार, हमें पता है कि एट पोजिशन जो है अटैकिंग पोजिशन, हम चेक कर लेंगे इफ नॉट ऑफ नॉट आउट ऑफ बाउंड, है ना। तो हम वहाँ पे एक कोई अटैक वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं, अटैक प्लस प्लस, मतलब यहाँ यहाँ अटैक पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट में क्या कर लेंगे, ये टोटल माइनस अटैक रिटर्न करा देंगे, है ना, ये एक अप्रोच हो सकती है हमारी। ठीक है, ठीक है यार, तो इसका सूडो कोड, ये तो मतलब बहुत सिंपल सा था यार क्योंकि उन्होंने वन मूव दे दिया था। तो इसका सूडो कोड किस तरह दिखेगा यार, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, एक नेस्टेड फॉर लूप होगा, ये एन के लिए होगा और ये एम के लिए होगा, ताकि हम अब ईच एंड एवरी सेल में आ चुके हैं, राइट। फॉर ईच एंड एवरी सेल वी हैव टू इटरेट फॉर एट पॉसिबल मूव्स, तो एक थर्ड लूप चलेगी यहाँ पे, है ना। और हम वहाँ पे बस चेक कर लेंगे कि इफ जो हमारा जो न्यू एक्स आया, राइट, इफ एक्स जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, एंड एंड एक्स जो है वो लेस देन एन रोज रिप्रेजेंट करता है, राइट, तो लेस देन एन हो, एंड वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड वाई शुड बी लेस देन एम। अगर ऐसा है देन द पोजिशन कैन बी अटैक बाई द अदर नाइट, और लास्ट में हम बस रिटर्न कर देंगे हमारा जो टोटल है माइनस अटैक। होप आपको ये बातें समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल था यार ये, कुछ नहीं करना था हमने, सिर्फ वन मूव था, तो बस हमने मूव्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो अभी तक के हम लास्ट के दो क्वेश्चन ग्राफ में करते आ रहे थे, ठीक है यार। तो स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होगा डी एक्स और डी वाई बनाना, है ना, फिर ये टोटल मूव्स निकालना हमारा सेकेंड स्टेप होगा, राइट, और ये थ्री टाइम्स एन क्यूब, मतलब एन क्यूब नहीं है, एन क्रॉस एम ही हो गया, एन क्रॉस एम, एम क्रॉस एट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही होगी यार, एन क्रॉस एम एट तो कॉन्स्टेंट इग्नोर कर देंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमने जो एरे इस्तेमाल कर लिए हैं, राइट, ओ ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेस के ओ ऑफ एट, बस यही किया हमने। तो चलो यार इसको तुरंत से कोड कर लेते, ओके। तो ठीक है यार, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें डी एक्स और डी वाई एरे बनाना था, राइट, तो और हम यहाँ से वैल्यूज उठा लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा था 2.2, 1.1, माइनस वन माइनस वन एंड माइनस टू, 1.1, 2.-1। अब इसी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डी एक्स डी आई वैल्यू निकालनी है, ये यार इसमें कोई गलती मत कर देना लिखने में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ से देख के कॉपी कर रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ से निकाला ड्राइविंग करके। तो माइनस वन वन माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, ओके, माइनस वन वन, फिर माइनस टू
प्लस टू, फिर अगेन माइनस वन वन एंड माइनस टू, प्लस ओके। तो हम यहाँ लिख देते हैं और इस तरह ये अपना डी एक्स डी वाई आर ए भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तुरंत से। बिल्कुल सही है यार, हमने वेरीफाई कर लिया। चलो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने क्या एक टोटल आंसर बनाया था राइट, तो हम इसको लॉन्ग में डाल देते हैं क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टैटिक लॉन्ग है इस फंक्शन का नाम। तो मैं उसमें क्या करूँगा, एम क्रॉस एन, और मैं इसको यार छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आदत है, पेंशनली मैं ऐसे ही लिखता हूँ ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एम क्रॉस एन, और हमें इसमें स्टार करना है एम क्रॉस एन माइनस वन ठीक है, और हमें इसके होल का मॉड भी निकालना है राइट। मॉड क्या है, वो ओवरफ्लो का हैंडल करने के लिए ठीक है। तो ओके अब एसोसिएटिव रूल लगा देते हैं जो हमेशा हम हर बार करते हैं ठीक है। अब हम एक लॉन्ग मॉड बना भी लेते हैं, वो हमारा क्या दे रखा है, टेन पावर एट, 10.9 प्लस 7 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट डिजिट 7 ठीक है। अब हमारा यार स्टेप 3 है जो हम ईच एंड एवरी सेल के लिए इटरेट कर रहे थे। चलो तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन टिल आई प्लस प्लस, देन वी गो फॉर इन जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। नाउ फॉर ईच एंड एवरी सेल वी हैव टू ट्रैवर्स फॉर 8 मूव्स, पॉसिबल मूव्स हैं हमारे क्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर इंट लेट से वेरिएबल के इक्वल्स टू 0 के लेस देन 8 एंड देन के प्लस प्लस। हमारी न्यू एक्स और न्यू वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, इंट एक्स इज इक्वल टू वॉट आई प्लस एक्स से हम वैल्यू उठा लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम जे से वैल्यू उठाएंगे प्लस एंड डी वाई से वैल्यू उठाएंगे। हमारे पास वाई और के आ चुका है, नाउ वी जस्ट हैव टू चेक कि दिस मूव इज इन बाउंड एंड दिस इम्प्लाइज अटैक होगा राइट। चेक कर लेते हैं, इफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो and x should be less than n and then y should be greater than equals to 0 and then y should be less than equals to n। तो ये हमारी inbound की condition होगी। तो हम यहाँ पे एक attack variable ले लेते हैं, attack plus plus कर देते ठीक है। तो हम यहाँ पर एक long attack variable बना लेते हैं equals to 0 हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे बस ये कर देंगे कि return utl minus attack right and percent mod, फिर वहीं पे associate का rule लगा देंगे हम यहाँ पर total mod mod full का mod ठीक है। just compile it now, okay so let's wait for the compilation result। और long की जगह lnd लिख दिया है ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही यार, हमारा योर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑर्डर मैच कर गया है। होप कहीं ओवरफ्लो नहीं होगी क्योंकि मैंने मैंने यहाँ हर जगह मॉड का किया है। लेट्स हिट द सबमिट बटन और हमारा टेस्ट केस ऑलमोस्ट सारे पास हो गए। चलो यार सभी पास हो गए। तो ये तो इसकी पहली अप्रोच थी जो हमने एन क्रॉस एम में कर दिया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट में कर दिया। बट हम इससे बेटर भी कर सकते हैं क्या, कुछ हम इससे बेटर डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ वन मूव ही हमें मेंटेन करना है राइट। तो ठीक है यार, इसकी सेकंड अप्रोच को देखते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ ठीक है यार। तो चलो मेथड टू को देखते हैं। देखो मूव्स कैसे हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर हूँ, यहाँ पर हमारा लेट्स से के वन है, तो ये एक पॉइंट आगे बढ़ा, देन दूसरा पॉइंट आगे बढ़ा एंड देन इस पॉइंट पे के टू बैठा है जिसको इसने अटैक कर दिया राइट। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखूँ यार, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बता सकता हूँ कि केवन यहाँ बैठा हुआ है राइट, और अब वर्टिकल ट्रैवर्सल देख लेते हैं, ये ऐसा गया और फिर एक और ऊपर गया एंड देन यहाँ पर एक के टू बैठा हुआ जिसने इसको अटैक कर दिया। तो मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर हमारा केवन बैठा हुआ है इस सेल में, देन ये फर्स्ट सेल मूव किया और देन सेकंड सेल मूव किया राइट, और इस सेल में हमारा के टू बैठा है। तो
ये मैट्रिक्स क्या है यार, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैं अगर इस पे मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं, 2 क्रॉस 3, राइट, तो अगर मैं इस पे मैट्रिक्स बनाने की हूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये K1 एक सेल में बैठा हुआ है, ये एक सेल को इसने एक और आगे तो ट्रैवर्स किया और फिर ये लेफ्ट राइट जगह इसने अटैक कर दिया जो K2 अगले सेल में बैठा हुआ है। इसी तरह ये क्या है यार, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, सेम कॉम्बिनेशन इसके लिए एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैट्रिक्स सेम रहे बट क्या हो जाए कि K1 यहाँ हो और K2 यहाँ हो, राइट। और इसके लिए भी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि K1 कॉम्बिनेशन डायगोनल्स बदल जाए, राइट, K1 इस बार यहाँ और K2 यहाँ, राइट। तो यही तो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे नाइट्स अटैक कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। तो टोटल अटैक्स कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, टोटल 2 यहाँ हो गया, राइट। तो अगर मैं लेट्स से हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, 1 2 3, ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें से टोटल 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का काउंट निकाल लूं, काउंट ऑफ निकाल लूं, लेट्स से एक्स होता है, ठीक है। मैं अब मुझे पता चल जाए कि हर एक मैट्रिक्स में अटैक्स कितने तरीके हो सकते थे तरीके से, राइट। तो ये जो हमारा तरीका है ये बताएगा कि इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां अटैक हो सकता है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आंसर रिटर्न ऐसे करा देंगे, टोटल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते थे, n क्रॉस m (n×m-1) किसी भी 2 नाइट को n×m के मैट्रिक्स में प्लेस करने के, ये तरीके हो सकते हैं। इसमें हम ये कौन सा तरीका, ये अटैक वाला तरीका है, राइट। तो हम यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे x×2 हमारी अब। हाँ, तो ये आपको बात समझ में आ रहा होगा यार। तो हमारी अब क्वेश्चन बदल चुकी है, हमारा क्वेश्चन बदल चुका है कि ये एक्स कैसे निकाले, और एक्स क्या है कि 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का इस मैट्रिक्स में काउंट कैसे निकल सकता है यार। तो मैं अगर देखूं, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि लेट्स से 3 क्रॉस 2 निकालते हैं सबसे पहले। तो 3 क्रॉस 2 एक कलर दूसरा येलो ले लेते हैं, 3 क्रॉस 2 मेरे को एक ये मैट्रिक्स दिख रही है, 3 क्रॉस 2, राइट। सिमिलरली मैं इसको एक तो ये वाली कंसिडर कर सकता हूँ, एक ये वाली कंसिडर कर सकता हूँ, राइट। तो अगर 3 क्रॉस 2 है, राइट, तो मैं राइट डायरेक्शन में कितने कंसिडर कर सकता हूँ, लाइक n-2 कंसिडर कर पा रहा था, राइट। तो मैं n-2 कंसिडर कर सकता हूँ, राइट। और अगर 2 की बात करें यहाँ से, तो मैं एक 2 यहाँ से ले सकता हूँ, राइट, एक 2 यहाँ से ले सकता हूँ और एक 2 यहाँ से ले सकता हूँ, मतलब 3 टाइम्स, है ना। तो और n की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, राइट। तो n-1 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल मैट्रिक्स की काउंट मिल जाएगी 2 cos 3 की, है कि नहीं। सिमिलरली अब मैं बात करूँ कि हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, हमें 3 cos 2 चाहिए, मैंने 3 cos 2 निकाल दिया, हमें 2 cross 3 चाहिए। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ यार एक 4 cross 4 की मैट्रिक्स, ठीक है, हमें चाहिए अब 2 cross 3, राइट। तो 2 cross 3, एक सेकेंड यार, मैंने यहाँ कुछ गलती कर दिया क्या, 3 cross 2 चाहिए था हमें, 3 rows और 2, मतलब हमें इस मैट्रिक्स को खोजना था, राइट। हाँ तो ठीक है, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो 3 है, तो नंबर ऑफ रोज विच वी कैन कंसिडर हियर इज, है ना, यहाँ पे 2 रोज हम कंसिडर कर सकते थे, राइट। कौन सी वाली, आया, मैंने डायग्राम इरेज करके वापस से बना दिया। तो ये 3 cross 2 की एक मैट्रिक्स दिख रही है मुझे, राइट। अब ठीक है, ये 3 cross 1, तो हमने एक ये रो को कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी रो ये कंसिडर कर सकते हैं, तीसरी रो ये कर सकते हैं जो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी, राइट। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 2 पॉसिबिलिटी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिया 4-2, दैट इज n-2। अब वैसे ही कॉलम की बात कर लें, एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा हम ये ले सकते हैं, एंड देन तीसरा हम ये ले सकते हैं। अब इसके ज्यादा लिया तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो n=4 है, तो 3 पॉसिबिलिटी कॉलम्स ही हो गए, इसलिए मैं n-1 कर दिया, राइट। अब हम आते हैं 2 cos 3 पे, हमें 2 cos 3 की टोटल काउंट चाहिए। तो 2 रोज ये हो गए एंड 3 कॉलम्स, मतलब ये वाली मैट्रिक्स यार, है ना, ये वाली मैट्रिक्स। अब इसके देख लेते हैं कैसे टोटल कॉम्बिनेशन निकाले। अगर 3 है तो हमने एक तो यहाँ लिया और एक हमने यहाँ लिया, तो मतलब कॉलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास n-1 पॉसिबिलिटी है, एंड रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं, एंड देन थर्ड रो से फोर्थ रो तक ले सकते हैं।
अब फोर्थ से फिफ्थ लेंगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई एन माइनस टू, है ना, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया। कॉलम्स में दो पॉसिबिलिटी थी, राइट। हाँ कॉलम्स में, और टोटल कॉलम्स फोर थे, तो फोर माइनस टू टू, तो ये एन माइनस, तो ये हो गया एन माइनस टू और ये हो गया एन माइनस वन, ठीक है यार। तो फाइनली हम एक फॉर्मूला तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल काउंट ऑफ मैट्रिक्सेस, तो हमेशा प्लस कर लेना है, टोटल टू क्रॉस थ्री प्लस थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो टू क्रॉस थ्री के क्या है वैल्यू यहाँ पे, एन माइनस वन, एन माइनस टू, प्लस थ्री क्रॉस टू का क्या है हमारे पास, एन माइनस टू एंड एन माइनस वन। इसको आप सॉल्व, इसको आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन एन माइनस टू, है ना। ये हो गया काउंट ऑफ टोटल टू क्रॉस थ्री एंड थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स। और हर एक टू क्रॉस थ्री और थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स में दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे जहां पे अटैक हो सकता है, राइट। तो हम इसे एक बार इंटू टू और कर देंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चले कि ये अलग से टू आया है, मैं पे इंटू टू और कर देंगे, राइट। तो ये हो गया यार टोटल अटैक्स, जहां पे पॉसिबल, जहां पे अटैक्स होगा, पॉसिबिलिटी है होने की, राइट। तो हम टोटल कॉम्बिनेशन से, टोटल कॉम्बिनेशन से टोटल अटैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा नॉन अटैकिंग पोजिशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो ठीक है यार, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी अप्रोच हो गई, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ वन। हमने बस सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन। चलो इसको कोड कर लेते हैं तुरंत से, स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं। स्टेप्स क्या हो जाएगा कि हमें फाउंड करना है ये निकालना है हमें, फोर इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू निकालना है हमें, राइट। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें निकालना है टोटल से, हमें उसे माइनस कर देना है, राइट। तो चलो ठीक है कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है यार कि आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, राइट। तो आ जाओ सेट कर लेते हैं हम। तो कुछ कुछ चीज़ें तो सेम हो गया, क्योंकि तो हमें जैसे हमें लॉन्ग और मॉड सेम रखना है, 1 5 6 7 8, ठीक है ये हो गया। हमें एक लॉन्ग टोटल भी सेम ही रखना था, राइट, यार फिर से लिखना पड़ेगा। चलो तो लिख लेते हैं, एम क्रॉस एन चार एम क्रॉस एन माइनस वन, और होल का मॉड, और इंडिविजुअली भी मॉड करना होगा ओवरफ्लो को बचाने के लिए मॉड। और ठीक है मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, एन एन और एम को, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं यार, एन क्रॉस एम, और इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, राइट, एंड एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो हम इसमें वो कर लेते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना था ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टोटल माइनस इक्वल्स टू व्हाट, फोर स्टार, है ना, एन माइनस वन एंड एंड फोर स्टार एन माइनस वन स्टार एम माइनस टू, ठीक है। सिमिलरली अब हम उस केस को माइनस कर लेते हैं जब जिस केस के लिए हमारा ये चीज अपोजिट होगा, दैट इज एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, राइट। हम सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एन और एम की जगह बदल देंगे, तो फोर स्टार एम माइनस वन एंड एन माइनस टू, देखो सही है यार। लास्ट में बस क्या करना था, रिटर्न टोटल, दैट इज इट, यही करना था हमें। देखा योर आउटपुट मैच हो चुका है, लेट्स हिट द सबमिट बटन, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेंगे हमने क्या क्या देखा, ठीक है यार। उससे पहले कुछ एरर्स है उसे तुरंत से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये तो हमारा आंसर भी बता रहा है, ओके मॉड 10 की पावर प्लस 7 था और हमने 9 दे दिया, तो ये वाला कौन सा टेस्ट केस था, हम इसे कॉपी करके एक बार चेक कर लेते हैं। आ गया फॉरन, ठीक इट्स कंपाइल फॉर दिस टेस्ट केस, एरर नहीं आनी चाहिए, लेट्स सी। So it's finally the time to hit the submit button.
फैंटास्टिक यार, मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने मतलब इतने बड़े प्रॉब्लम को ओ ऑफ वन में सॉल्व किया है, तो लाइक पैट ऑन योर बैक काफी अच्छी बात है। तो ठीक है, एक समरी तुरंत से डिस्कस कर लेते हैं यार हम, कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, M1। और अगर इस बात से आपको कंफ्यूजन, मैंने दो एफ की यूज किया यार, मैंने तो बोला था एक ही बार माइनस करना, मैं दो बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार किसी केस के लिए हो सकता है ना कि एन की वैल्यू जो है वो लेस देन वन हो, जैसे जीरो हो, तो उस केस में हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते 4 × (n, n-1, n-2), हमें चेक करना होगा कि 1 और 2 एन और एम उससे बड़े होने चाहिए। फिर सिमिलरली उसके रिवर्स के लिए भी चेक करना होगा, राइट। कर्म वही रहे, एक ही बार माइनस कर रहे हैं, बट उस केसेस को अलग कर रहे हैं जहां पे एन की वैल्यू 1 से लेस हो जाए या फिर एम की वैल्यू 2 से लेस हो जाए। ठीक है, ठीक है यार, तो हम मेथड 1 देख लेते हैं। हमने देखा कि ऑल पॉसिबल 8 मूव्स निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड इफ कोलाइडेड तो हम टोटल मूव से, यहाँ पे इफ कोलाइडेड तो हमने अटैक एक वेरिएबल बनाया और हमने टोटल माइनस अटैक करके एक आंसर रिटर्न कर दिया, बट दैट गिव्स दैट टेक्स अ टाइम ऑफ n × m × 8, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ओ ऑफ 8 की ले ली थी, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही था। एम टू में हमने देखा कि यार, हमने देखा कि सिर्फ ऐसे उनका जो एल शेप है राइट, वो 2 × 3 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल जाओ तब भी, और वर्टिकल, हाँ अगर आप वर्टिकल जाओ तो 3 × 2। ठीक है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कि सिर्फ दो ही ऐसे जगह हो सकते हैं, डायगोनल प्लेस हो सकते हैं जहां पे अटैक हो सकता है, तो हमने लिखा अच्छा यहाँ 2 अटैक और यहाँ पे 2 अटैक है। तो हमने हमने एम क्रॉस एन वाली मैट्रिक्स में हमने फॉर्म कर दिया कि हमने कैलकुलेट कर लिया ऑल पॉसिबल 2 × 3 प्लस द समेशन ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ही हमें ये निकल गया लेट्स से एक्स, तो हमें पता था ईच एंड एवरी मैट्रिक्स से 2 अटैक पॉसिबल है, तो 2 × x करके हमने पॉसिबल अटैक्स निकाल लिए। ठीक है, लास्ट में हमने बस क्या किया कि हमारा जो टोटल मूव्स था हमने वापस से उसमें से अटैक माइनस कर दिया, बस यही किया हमने। और इसकी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ वन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वन हो गई, राइट। कॉन्स्टेंट स्पेस और टाइम में हमने काम कर दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। यही हमारे चैनल का मोटिव भी है कि हम ब्रूट फोर्स से शुरू करें और एफिशिएंट तक जाएं। वीडियो लंबी होती है बट ठीक है, हमें सीखने के लिए पर्पस है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमारा day 49 ओवर हो चुका है, वी आर गोइंग टू हिट day 50 टुमारो। तो ओके, तो आप बस बने रहो मेरे साथ। और दो तीन लास्ट बात है यार, यू कैन स्टार एंड फोक दिस रिपोजिटरी टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड ऑफ मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डीएस। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, आप कंट्रोल एफ करके सर्च कर सकते हो, लाइक 491 क्वेश्चन भी अब मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, और कुछ बातें, और कौन सी बातें बच गई, और कुछ नहीं यार, बस अपना ख्याल रखो। और दिसंबर आ चुका है, लाइक न्यू ईयर की हैप्पीनेस के चक्कर में आप अपनी कंसिस्टेंसी मत ब्रेक कर देना, चाहे कुछ जाए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है दिन के, तो अपन करते रहेंगे साथ में। तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, और लाइफ में अपने मचाते रहो।